तो मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक छोटी बच्ची मैरी ब्लैक, ब्लैक ये तो वाइट है, छोड़ो, मैरी ब्लैक खेल रही थी, जहाँ उसके साथ उसकी बिल्ली भी थी। लेकिन तभी वो बिल्ली यहाँ से भागने लगी, तो तभी मैरी उसका पीछा करने लगी, जिस बीच एक आदमी ने आकर मैरी की मैयत यही मना दी। और इसी मैयत के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द ट्रैवलर। तो अब कहानी प्रेजेंट में आई, जहाँ न्यूयॉर्क के एक पुलिस स्टेशन में हमें दो पुलिस वाले दिखे, जिसमें यह हॉकिन और ये पाइंस, जो जब स्टेशन के अंदर आए तो हमें एक तीसरा पुलिस ऑफिसर भी दिखा, जिसका नाम है डोरेमोन। अब इन लोगों के नाम थोड़ा याद रखना दोस्तों, क्योंकि यही कुछ लोग पूरी कहानी में आते रहेंगे। तो एक हो गया हॉकिन, एक पाइंस और एक डोरेमोन। और उसके बाद हमें दो और ऑफिसर दिखे, जिसमें ये लड़की है लोला और दूसरा ऑफिसर है जिनी। तब इनकी बातों से हमें पता चला कि लोला और जिनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस बीच इनकी बातें चली रही थी कि तभी यहाँ पाइंस और हॉकिंग आ गए, जिन्होंने इन दोनों का मजाक बनाना भी शुरू कर दिया। तभी हमें इस स्टेशन का इंचार्ज ये डिटेक्टिव ब्लैक भी दिखा, जिसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये मैरी ब्लैक का बाप है। तब ब्लैक अपनी बीवी का वॉइसमेल सुन रहा था, जो कि उसे काफी खरी खोटी सुना रही थी, क्योंकि इनकी बेटी की मौत के बाद इनके रिलेशनशिप पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। खैर, तभी इस बीच यहाँ एक अनजान आदमी स्टेशन में आया, जो अंदर आते ही बोला कि मैं अपना मर्डर कन्फेस करना चाहता हूँ, जो सुनते ही डोरेमोन ने बंदूक निकाल ली और उसने यहाँ बाकी ऑफिसर्स को भी बुला लिया। जिस बीच जैसे ही यहाँ ब्लैक आया, तो उसने इस आदमी को तो अंदर भेजा और वो डोरेमोन को चमकाने लगा कि इतनी जल्दी क्या थी भी बंदूक निकालने की, पहले पूछ तो लो, क्या पता मच्छर मार के आया हो। खैर, तभी यहाँ दो लोग और आए, जिन्होंने बताया कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के रास्ते भी बंद हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिससे हॉकिंग पूछताछ कर रहा था, लेकिन ये आदमी किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हॉकिंग इरिटेट होने लगा। जिस बीच यहाँ पूछताछ के लिए ब्लैक भी आया, तो उस आदमी ने कहा कि तुम लोग मुझे मिस्टर नोबडी कहकर बुला सकते हो, तो चलो भाई, अब इसका नामकरण हो गया है मिस्टर नोबडी। तब ब्लैक ने नोबडी से पूछा कि तुम एकदम डिटेल में बताओ कि तुम किसका मर्डर कन्फेस करने आए हो, जिस पर नोबडी बोला कि आज सारे लोग अपने गुनाहों को कन्फेस करने वाले हैं। जो जवाब ब्लैक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो बोला कि जाओ इसके फिंगरप्रिंट लो और इसकी फाइल बनाओ, शायद तब हमें इसके बारे में कुछ डिटेल पता चले। वहीं दूसरी तरफ हमें लोला और जिनी दिखे, जो कि यहाँ पुलिस स्टेशन में ही अपनी कार्यवाही करने वाले थे, कि इस बीच जिनी की नजर दीवार पर पड़ी, जहाँ उसे लगा कि नोबडी है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ ये लोग भी परेशान थे, क्योंकि जब हॉकिंग फोटो खींच रहा था तो उसे लगा कि नोबडी के सर से खून निकल रहा हो, लेकिन असल में यहाँ कोई खून था ही नहीं। साथ ही जब पाइंस ने नोबडी के फिंगरप्रिंट लिए, तो उसने देखा कि नोबडी की फिंगर्स के कोई प्रिंट आ ही नहीं रहे, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट लिए ही नहीं जा सकते, जो कि एक काफी स्ट्रेंज बात थी। और इसी स्ट्रेंज बात को देखते हुए इन्होंने यहाँ डोरेमोन को बुलाया, जिसे इन्होंने कहा कि इसे सेल में बंद कर दो। तब डोरेमोन नोबडी को सेल में ले जाने लगा, जिस बीच यहाँ की सारी लाइट डांडिया खेलने लगी, जो देखकर डोरेमोन की लुप्त हो रही थी, पर फिर भी उसने नोबडी को बंद कर दिया, जिसके बाद नोबडी ने यहाँ जेल में ही सीटी मारने शुरू कर दी, जो सुनकर डोरेमोन की लुप्त होने लगी। इसलिए वो जैसे ही यहाँ से चार कदम आगे आया, तो उसे लगा कि नोबडी उसके पीछे आ रहा है, लेकिन जब उसने दूसरी बार देखा तो यहाँ पर तो नोबडी था ही नहीं, मतलब नोबडी था लेकिन अपने सेल में, ना कि उसके पीछे। जिसके बाद ब्लैक को पता चला कि नोबडी का कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, जिससे कि ये लोग उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे। और तभी यहाँ पुलिस स्टेशन की सारी लाइटें डांडिया खेलने लगी, जिस पर डोरेमोन ने बताया कि हमारे सारे बल्ब पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चल रहा
कि लाइट में दिक्कत है या वायरिंग में ही। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉकिंग दिखा जो कि नोबडी की फोटो को देखकर काफी शॉक हुआ, क्योंकि फोटोज के प्रिंट होने के बाद इसमें नोबडी तो दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ उसके कपड़े नजर आ रहे थे। इसलिए वो उस बात से काफी परेशान हुआ, जिसके बाद वो नोबडी के पास जाकर बोला कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर नोबडी ने फिर से कहा कि तुम लोग मुझे नोबडी कहकर बुला सकते हो। वाओ भाई। खैर, तब उसने दोबारा से सीटी बजानी शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर हॉकिंग भी यहाँ से निकल गया। तब बाहर ब्लैक अपनी बीवी की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, तो इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा कि जाओ उस मिस्टर नोबडी को बाहर लेकर आओ, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। तब ये सभी लोग नोबडी को लेने पहुंचे तो वो अपने सेल नंबर 4 में था ही नहीं, मतलब जहां उसे बंद किया था वो वहां था ही नहीं, और उल्टा वो मिला सेल नंबर 3 में, जहां पर वो पत्ते खेल रहा था, जबकि किसी ने उसे पत्ते दिए भी नहीं थे। तभी ये लोग उसे बाहर लेकर आए, जहां हॉकिंग्स पुलिस स्टेशन के बाहर स्मोक कर रहा था और कुछ समय पहले की बात याद करने लगा कि जब ये सब मिलकर एक मासूम आदमी को टॉर्चर कर रहे थे और उसे इन्होंने मजबूर किया था ताकि वो इस बात को कबूल ले कि उसने ही मैरी ब्लैक का मर्डर किया है। तब हॉकिंग्स बोला कि शायद हमें अपने पापों की सजा मिलने वाली है, जिस पर पाइन उसे समझाने लगा कि अरे ये सब बातें हवा में मत करो, बाकी अभी बस ये शिफ्ट खत्म होने दो, फिर हम मिलके दारू पियेंगे। जिसके बाद ये लोग अंदर आए तो ये सभी नोबडी से पूछताछ कर रहे थे, जहाँ ब्लैक उससे बोला कि अब हमें सारी चीजें बताना शुरू करो, जिस पर नोबडी बोला कि मैंने 6 मर्डर्स किए हैं, जो सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो गए कि 6 मर्डर्स। तब ब्लैक बोला कि डिटेल में बताओ तुमने उन्हें कैसे और कब मारा, जिस पर नोबडी बोला कि मैंने अपना पहला मर्डर ऐसे किया था, और तभी हमें दूसरी तरफ हॉकिंग्स को दिखाया गया जो कि बाकी सारे सेल को देखने गया था, जहां पर थोड़े समय पहले नोबडी को बंद किया था। तभी अचानक से एक सेल का दरवाजा खुला और हॉकिंग्स अंदर हो गया, और तभी कोई अनजान शक्ति उसे टॉर्चर करने लगी। तभी नोबडी ने भी ये सेम मर्डर इन लोगों को डिस्क्राइब किया था, जिस बीच हॉकिंग्स पर भी वो टॉर्चर चलता रहा, जिसके बाद हॉकिंग्स ने बड़े दर्दनाक तरीके से अपनी आलू पूड़ी बटवा ली। तभी ये सब लोग हॉकिंग्स को ढूंढने आए तो उन्हें यहाँ उसकी लाश नजर आई, जो देखकर इन सबकी लुप हो गई कि आखिर ये कैसे हुआ। जिस बीच हमें ब्लैक भी दिखा, जो कि अभी भी नोबडी से बात कर रहा था, कि तभी उसका ध्यान नोबडी के हाथ पर गया, जहाँ उसके हाथों से हथकड़ी अपने आप ही खुल चुकी थी। तब ये देखकर उसने नोबडी पर बंदूक तानी और बाकी लोगों से बोला कि जल्दी से हथकड़ी पहनाओ, जो पहनते पहनते ही उसने सबको बताया कि हॉकिंग्स की मौत हो गई है, जिसे सुनने के बाद सब परेशान होने लगे। जिस बीच उसने डोरेमोन और पाइन को कहा कि तुम लोग बाहर जाकर सारे दरवाजे बंद कर दो, जो सुनकर ये लोग सारे दरवाजे बंद करने लगे तो तभी इनके ऊपर एक बिल्ली की लाश गिरी, जिसकी वजह से ऑफकोर्स कोई भी नॉर्मल आदमी भी डर जाएगा। तब ये लोग बिल्ली को ध्यान से देखने लगे तो उन्हें पता चला कि असल में ये बिल्ली मैरी ब्लैक की बिल्ली थी, क्योंकि उसके गले में भी वही सेम पट्टा लगा हुआ है। तभी वो लोग अंदर आए और ब्लैक को ये सारी बात बताने लगे, जिस पर ब्लैक बोला कि अभी हमें छत पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ से किसने इस मरी हुई बिल्ली को फेंका है। जिस बीच डोरेमोन ने नहीं बताया कि ये बिल्ली मैरी ब्लैक की है, क्योंकि मैरी का नाम सुनते ही ब्लैक थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता। जिस बीच ये लोग एक आदमी के बारे में बात करने लगे, जिसे इन 6 लोगों ने मिलकर टॉर्चर किया था, और सब लोग चाहते थे कि वो कन्फेस करे कि उसी ने मैरी को मारा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया था और उसे इतना मारा था कि किसी की रूह कांप जाए। तब उस आदमी ने ये भी कहा था कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसे काफी मारा था। जिसके एंड में ब्लैक ने उसकी बातों को अनसुना करके अपनी बेटी के दिए हुए पेन से ही उस आदमी के सीने में घुसा दिया था। तब इन सब बातों को याद करके ये सब परेशान होने लगे, जिस बीच ये पाप का घड़ा एक दूसरे पर फोड़ने लगे।
और कुछ लोग तो इतने महान निकले कि वो कहने लगे कि वो आदमी ही गलत होगा, जबकि कोर्ट ने इस बात को प्रूफ किया था कि वो आदमी एकदम इनोसेंट था और उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन इनके टॉर्चर की वजह से वो आदमी कोमा में चला गया, जिसके बाद ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल में चला गया। अब ये इन्हीं सब बातों को लेकर आपस में लड़ रहे थे, जिस बीच इन्हें छत पर कुछ आवाज सुनाई पड़ी। तब डोरेमोन और पाइन ने फैसला किया कि वो छत पर जाकर देखेंगे कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। जिस बीच ब्लैक बोला कि बाकी सारे लोग नोबडी के पास चलेंगे, हमें अभी उससे और पूछताछ करनी है। तब डोरेमोन तो ऊपर चला गया और पाइन अभी भी नीचे ही रहा। जिस बीच ब्लैक नोबडी के पास पहुंचा और उससे दूसरे मर्डर के बारे में पूछने लगा, जिस पर नोबडी ने बताया कि मैंने दूसरे आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वह इतना बुजदिल था कि उसने अपने सामने क्राइम होते हुए देखा, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाया। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ये डोरेमोन एकदम शांत खड़ा था जब ये सभी लोग मिलकर उस आदमी को टॉर्चर कर रहे थे, मगर उसने किसी को भी नहीं रोका। और या नोबडी डोरेमोन की ही बात कर रहा था जब वो बोला कि मैंने उस आदमी को लटका के मारा जिससे कि उसे एक फांसी का फंदा लग गया। तभी अचानक से डोरेमोन के गले में भी एक फांसी का फंदा आ गया, जिसके बाद जब पाइन उसे थोड़ी देर बाद ढूंढने ऊपर आया तो तभी उसने देखा कि यहाँ तो डोरेमोन की लाश पड़ी है, जो देखते ही सबकी लुप लुप हो गई कि भाई नोबडी जैसा भी कह रहा है वैसे ही मर्डर होते जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों को विश्वास हो गया कि जरूर इस नोबडी में उस आदमी की आत्मा है या फिर कुछ तो पंगा जरूर है। इसलिए तब इन्होंने उस आदमी की सारी डिटेल निकालनी शुरू करी। जाने पता चला कि वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट था उस हॉस्पिटल में उसकी आज रात 8:14 पर मौत हो गई है। और तभी इन्होंने अपनी डायरी चेक करी तो पता चला कि नोबडी भी यहाँ पर 8:14 पर ही आया था, जो देखकर ब्लैक काफी परेशान हो गया, जिसके बाद वो बोला कि शायद हमें यहाँ बैकअप बुलाना पड़ेगा क्योंकि इन 6 में से ये 4 ही बचे थे। तब ये लोग कॉल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हेडक्वार्टर में कॉल नहीं लगी, जिसकी वजह से बाहर का रास्ता भी बंद था। तो ब्लैक ने इन्हें समझाया कि हमें 2 हिस्सों में बंटना पड़ेगा, जिसमें जिनी और लॉरा बाहर जाकर बैकअप लेकर आएंगे और यहाँ पाइन और ब्लैक मिलकर इस नोबडी को संभालेंगे। तब ये डिसाइड करके ये नोबडी से बात करने पहुंचे, जहाँ नोबडी ने इन्हें अपना अगला मर्डर बताना शुरू किया, जहाँ वो बोला कि ये मर्डर जंगल में होगा। तब ये सुनते ही पाइन यहाँ से भागने लगा, जहाँ उसने जल्दी से जाकर लॉला को कॉल करी कि तुम लोग जंगल की तरफ मत जाना। लेकिन ये लोग तो जंगल की तरफ ही आए थे, जहाँ लॉला ने बताया कि जिनी अभी कार से नीचे उतरा है क्योंकि उसे जंगल में कोई नजर आया था। तब पाइन ने उसे बोला कि उसे जल्दी से रोक दो, लेकिन तभी दूसरी तरफ हमें जिनी दिखा जो कि जंगलों के बीचों बीच बढ़ता जा रहा था, और तभी उस पर अचानक से हमला हुआ, और हमला भी एक फावड़े से हुआ जिसे कोई मिस्टीरियस पावर चला रही थी। और तभी कहानी फ्लैशबैक में गई, जहां हम उस मासूम आदमी को देखते हैं जिसे जिनी ने भी पावड़े से ही मारा था, और अब उसी तरीके के हथियार का इस्तेमाल होकर यहाँ जिनी की भी चटनी बन गई। तब ये देखकर यहाँ लॉरा आई, जो कि जिनी की लाश को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन साथ में उसकी लुप लुप भी हो रही थी भाई। इसे तभी उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। जिस बीच ब्लैक ने यहाँ नोबडी पर गन चलाई कि इसकी वजह से ही सभी लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन तब एक भी गोली नोबडी को नहीं लगी, जो देखकर पाइन उसे रोकने लगा कि अरे बस भैया, पहले तो तुमने हमसे कांड करवा दिया और अब ये सब करते फिर रहे हो। खैर, तभी थोड़ी देर बाद लॉरा वापस स्टेशन में आई, जहां उसने बताया कि जिनी का भी मर्डर हो चुका है, जो सुनकर ये लोग समझ गए कि इनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इन लोगों ने यहाँ से भागने का प्लान किया, जिसके लिए जैसे ही लोला कार में घुसी तो तभी ये कार स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि वापस आते टाइम लोला की कार का एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तब ये सुनकर ब्लैक और पाइंस इस कार को चेक करने लगे, लेकिन तभी यहाँ नोबडी ने अपने चौथे मर्डर के बारे में बताना शुरू किया कि ये मर्डर सबसे ज्यादा भयानक होने वाला है क्योंकि ये मौत होगी दम घुटने के बाद। तभी हमें एक अनजान शक्ति दिखी
जिसने लोला के चेहरे पर एक पॉलिथीन लगा दी, जिससे कि लोला का दम घुटना शुरू हो गया। तब जैसे ही इन दोनों ने इस सीन को देखा तो ये लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला। इवन ब्लैक ने जो गाड़ी पर गोली भी चलाई उससे भी कांच नहीं टूटा, और तभी यहाँ लोला की भी मौत हो गई। जिसके बाद कहानी दोबारा फ्लैशबैक में गई कि लोला ने भी उस आदमी को ऐसे ही टॉर्चर किया था, यानी उसका दम घोटकर, इसलिए उसकी मौत भी उसी हिसाब से हुई। तब ये देखकर ब्लैक समझ गया कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, इसलिए वो पाइन को लेकर अंदर आया, जहाँ अंदर आते ही इन्होंने नोबडी से बात करने की सोची, लेकिन पाइंस तो बात नहीं, सीधा उसको लात मारना चाहता था। वाह भाई, अभी ब्लैक को रोक रहे थे गोली चलाने से, अब खुद इस शॉटगन को ले आए। खैर, तब एक भी गोली का असर नोबडी पर नहीं हुआ, जिस बीच नोबडी ने उल्टा पाइन पर ही हमला कर दिया और उसने ठीक उसी तरह उसे मारा जैसे पाइन ने उस आदमी को मारा था। नोबडी ने भी ठीक उसी तरह पाइंस की पिटाई शुरू कर दी, जो देखते ही देखते पाइंस के शरीर के चीथड़ उड़ गए। तब ब्लैक भी हल्का होकर जब पाइंस के पास पहुंचा तो उसके शरीर के सारे टुकड़े हो चुके थे, जो देखकर ब्लैक की अलग ही लेवल पर लुप्लुप होने लगी। साथ ही उसे अब नोबडी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया, लेकिन सब जगह पर उसे नोबडी की आवाज आ रही थी। तब बहुत देर भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो तो अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है, जिसके थोड़ी देर बाद खुद उसके सामने नोबडी आ गया, जहाँ वो बोला कि अब मैं तुम्हें अपने आखिरी कत्ल के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन वो कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्लैक उससे माफी मांगने लगा कि मुझे तुम्हें इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तब इन बातों को सुनने के बाद नोबडी बोला कि तुम कभी गलत थे ही नहीं। मतलब मैंने ही मारा था तुम्हारी बच्ची को, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। तब मैं कोमा में चला गया, और जब मैं कोमा में था तो मैं पूरे टाइम यही सोचता रहा कि मैं तुम सारे लोगों को कैसे मारूंगा, और अब वो समय आ चुका है कि जब मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। तब इन बातों को सुनकर ब्लैक की अलग ही लेवल पर लुप हो गई, और उल्टा उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से पूरे टाइम सही ही था। मतलब जिस आदमी को वो लोग टॉर्चर कर रहे थे उसी ने मैरी को मारा था, लेकिन ब्लैक जानता है कि अब वो आदमी मर चुका है और जो सामने खड़ा है वो उसकी आत्मा है, तो आत्मा से तो भाई सब लड़ नहीं पाएगा। इसलिए तभी नोबडी ने सुनाना शुरू किया कि उसने कैसे अपना आखिरी कत्ल किया, लेकिन ब्लैक कुछ सुनता कि उससे पहले ही उसने अपने कान में पेन घुसाड़ लिया, जिससे कि उसे नोबडी की बात सुनाई ना पड़े। तब वो अपने आप को बहरा करके यहाँ से आगे बढ़ा, जहाँ एक टेबल के अंदर घुसते ही उसे अपनी बेटी की आत्मा दिखी, जो उससे बोली कि अगर आपको इस आत्मा का मुकाबला करना है तो आप उसका असली नाम उसे बता दे। जैसे ही वो अपना असली नाम सुनेगी उसकी शक्तियाँ थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही उसने नोबडी का असली नाम बताया, जो था स्टैनली। तब इन सब बातों को सुनने के बाद ब्लैक बाहर आया और उसने नोबडी को स्टैनली कहकर बुलाया, जो सुनकर नोबडी रुक गया। तो यही मौका देखकर ब्लैक ने उसे सीधी गोली मार दी, जिस गोली के प्रेशर से नोबडी या खिड़की से नीचे गिर गया। तो तभी ब्लैक ने देखा कि कैसे नोबडी का शरीर यहाँ से गायब हो गया, और वो समझ गया कि उसने इस आत्मा को खत्म कर दिया है। जिसके बाद उसे मैरी की आत्मा दिखी, तो अब उसकी आत्मा को भी शांति मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब ब्लैक ने खुद को बहरा कर लिया तो उसे अपनी बेटी की आवाज कैसे सुनाई दी, राइट? सही बात है, लेकिन जो अभी तक मूवी में हो रहा था, क्या वो सच में हो भी सकता है? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये एक सुपर नेचुरल मूवी थी, तो आप इस लॉजिक को मत लगाना कि वो बहरा हो गया तो उसने अपनी बेटी की बात कैसे सुनी। बेटी आत्मा थी, और आत्मा की बात तो भाई क्या होता, आत्मा नहीं सुन लियो। और मैंने रिसर्च करी है तो उसके बारे में बस यही निकला है कि ये सुपर नेचुरल हॉरर मूवी थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने डिजाइन की है। ठीक है मेरे जीनियस लोगों। खैर, तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ये कुछ नई टाइप की मूवी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।